दोस्तों कैसे हैं दोस्तों यार। एक्चुअली बात ये है कि यार आज मैं ऐसे ही वीडियो देख रहा था, तो कुछ वीडियो ऐसे देखी कि मतलब सलमान खान ने कुछ कमेंट किया हुआ है एक्टर पाकिस्तानी एक्टर्स के ऊपर कि उन्हें बाइकआउट नहीं करना चाहिए, और उसके रिएक्शन एक्शन का कुछ रिएक्शन आया है। तो मैं ऐसे ही कुछ देख रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार आज थोड़ा सा सीरियस कुछ किया जाए। हमेशा तो मजाक बहुत कर लेते हैं, और मजाक तो मैं वैसे भी इतना कुछ खास कर नहीं पाता, तो इसलिए मैंने सोचा कुछ सीरियस लेते हैं। तो पहले मैं आपको दिखा दूं कि सलमान खान ने एक्शन क्या करा और रिएक्शन क्या दिया लोगों ने। मैं कह रहा हूँ टेररिस्ट थे ना, तो प्रॉपर एक्शन था। वो कलाकार है, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट है। वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा, वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश, देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, वरना तो मैं जानना चाहूँगा। कलाकार, हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह है, इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश, देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। बॉलीवुड जो क्या कहता हो क्या ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं, तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं, या हमारे जो जवान हैं इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में। यार एक्चुअली मुझे ये जानना है कि इन के ऊपर ना कमेंट क्या क्या है। मैं वो पहले कमेंट भी आपको दिखा देता हूँ कि कमेंट क्या क्या है। अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आता, ये कमेंट देखने के बाद तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि यार लोग यार ये भेड़ चाल क्यों करते हो। मतलब यार भेड़ चाल क्या होता है? मतलब अगर ये लोग जो कमेंट में गालियां दे रहे हैं ना सलमान खान को, तो यार मैं पहले इतना बता दूं, अगर कसम से सलमान खान इनके घर जाएगा ना, बोलेगा मैं एक रात तुम्हारे घर में स्पेंड करूंगा, तो यार अपने दोस्तों में ऐसे ढिंडोरा पीटेंगे पता नहीं राजमहल इन्होंने खरीद लिया हो। और वही सलमान खान को जो गालियां बकरे ना यार, उनकी एक सेल्फी के लिए मर जाएंगे। हो सके तो भाई अपनी मम्मी से लड़ जाए ये बंदे। और उसके बाद यार ये बंदे अब ये बोलेंगे भाई मैं सलमान खान का साइड ले रहा हूँ। यार नहीं यार, मैं तो अपना सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ भाई। पहली बात, मुझे सलमान खान पसंद नहीं है, तो इसलिए कोई भी बोलना भाई मैं सलमान खान का फैन हूँ। और दूसरी बात ये भाई, मुझे अगर कोई किसी ने बोला कि भाई मैं मुल्ला हूँ मुस्लिम हूँ भाई, थोड़ी के सालों मैं पहले बता दूँ कि सालों मैं हिंदू हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बात नहीं आती भाई, मेरे मजहब का कुछ भी नहीं आता। और घर पे आके चेक कर लेना, बाकी मैं तो घर पे दिखाई दूंगा भाई मैं क्या हूँ। नीचे का औजार दिखा के सामने रख के दिखा दूंगा कि मैं हूँ क्या। फिर यार यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि यार मुझे एक चीज समझ में आता। मान लो यार एक बंदा है, वो कोई काम स्टार्ट करता है, मान लो यार मैंने कोई काम स्टार्ट किया, अगर वो काम किसी एक बड़े बंदे को, वो मान लो कोई बिजनेसमैन है, उस बंदे को पसंद नहीं आया, वो बंदा क्या बोलेगा? यार बंदा गलत कर रहा है यार। उसने बोला क्योंकि भाई बड़ा बिजनेसमैन है, तो भाई बगल वाले ने सुना तो वो सोचे भाई इसने बड़े बिजनेसमैन ने मना बोल दिया, तो यार ये भी बंदा गलत होगा, यही बंदा गलत होगा यार, तो उसने भी मुझे गलत कह दिया। ऐसे करते करते एक बंदे ने मुझे गलत बोला, फिर दो तीन चार, ऐसे सब ने मुझे गलत बोलना स्टार्ट कर दिया। तो यार ये तो भेड़ चाल हो गई ना, कि मतलब एक बंदे ने कुछ बोला, यार उसने सलमान खान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा सबके सामने। यार पॉइंट ऑफ व्यू रखना कहीं गुनाह तो नहीं है? मुझे नहीं लगता यार उस पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी को गालियां या कुछ करना चाहिए। और हमारी देश की मीडिया भाई, ये वो मीडिया है जो बाढ़ आने पे ना, बाढ़ पीड़ितों पे जाते हो खाना लेके नहीं जाएंगी, बस वहां रिपोर्टिंग करने जाएंगे कि मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। यार मैंने बहुत से न्यूज चैनल देखे हैं, बहुत से यार टीआरपी के लिए सब कुछ होता है, मैं समझता हूँ। लेकिन यार आप लोग भी इंसान हैं, आप भी समझते हैं कि अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू दे तो पॉइंट ऑफ व्यू देना गलत बात नहीं होती है बिल्कुल भी। सलमान खान ने एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू था, आप लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। यार किसी भी इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू तो मिलेंगे नहीं यार, किसी के भी इंसानों की सजेशन या कुछ राय तो मिलेगी नहीं कभी। यार तो मैं इतना बताना चाहूंगा यार, ये भेड़ चाल छोड़ दो, जो जैसा बोल रहा है वैसा बोलने दो यार। किसी का बाइकआउट करना, किसी का कुछ करना, पता नहीं मुझे समझ में आता ऐसा क्या है। मतलब यार एक चीज बताओ, कोई बंदा है वो मेहनत करके ऊपर आ रहा है तो उसकी मेहनत नजर आती है। एक बंदा है जो पाकिस्तान में एक्टिंग करता है, वो इंडिया में आके एक्टिंग कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? उसे ने किसी ने बोला था आके करने को? भाई वो आया अपनी मर्जी से, उसे रोल मिल रहे हैं यार, उसमें उसकी क्या गलती है भाई? प्रोड्यूसर डायरेक्टर रोल दे रहे हैं ना, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का बाइकआउट करो।
या उस बंदे में टैलेंट है, तभी तो आजकल इतने सारे सिंगर हैं। भाई एक ऐसा हिंदुस्तानी बता दो जो आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान को सिंगिंग में पसंद ना करता हो। मुझे एक ऐसा हिंदुस्तानी बता दो जो पसंद ना करता हो आतिफ असलम या राहत फतेह अली खान को सिंगिंग के मामले में। भाई क्यों करते हो भाई? पाकिस्तानी है वो भी तो टेररिस्ट हो सकते हैं, क्यों भाई? यार मुझे ना भेड़ चाल नहीं पसंद है, और भाई मैं सिर्फ भेड़ चाल के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो पसंद आई है ना तो यार लाइक कीजिए, और यार जैसे सलमान खान को देशद्रोही कहा ना, वो नीचे जो लाल बटन है ना उसके साथ देशद्रोही खेल लीजिए। तो थैंक यू सो सो मच, एंड यार जितनी ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए।